और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। सारा साथियों, आजादी का जश्न मनाते हुए हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी देश की प्रगति के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आज हम सब इकट्ठा होकर, एकजुट होकर यह सुनिश्चित करें कि आजादी की आने वाली कठिनाइयों को एक साथ लड़कर दूर करें। वो आजादी जिसके लिए लाखों सैनिक आज भी सरहदों पर अपनी जान की बाजी लगाकर खड़े हैं। अंत में मैं दो पंक्ति कहकर अपने शब्द समाप्त करना चाहूंगा। इसी दिन तो हुआ था ये ऐलान, इसी दिन तो हुआ था ये ऐलान, अंधेरे हार गए थे, जिंदाबाद हिंदुस्तान। जय हिंद। आपसे कहूंगा कि दो शब्दों भी हैं, आदरणीय श्री प्रदीप कुमार जी, आरती सत्कार ऐसा श्री राजेवाल जी व स्टेशन पर आए श्री रेलकारी यात्री आरती सत्कार और रेलवे स्टेशन पर आए श्री यात्रियों का मैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस परिसर जी में आरती शुभकामनाएं देता हूँ। ये आपने सभी तुम्हें पता है हमारे कितने जवानों ने अपनी जीवन कुर्बान करके ने आज़ादी दिलाई है। इस आज़ादी को हमने बरकरार रखना चाहिए, हर आदमी का फर्ज है। हमारे देश को प्रगति पर बढ़ाने के लिए हमें कुछ न कुछ आगे अच्छा कार्य करना चाहिए। स्टेशन पर रेल में सफर करते समय सभी का फर्ज है अभी संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाए। ये बहुत ही मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है और इसको हमें प्रगति पर ले जाने का हर इंसान का हमारा फर्ज बनता है। मैं स्टेशन पर आए सभी का आपकी स्वागत करता हूँ और अपने सबको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सम्मान कर, सावधान, वे श्रम, जय जन।